नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का ऑन द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर ओनली ऑन योर ओन चैनल दैट इज अड्डा 247. माय नेम इज अंतरा एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर क्यूरियस कि आज क्या हुआ, हम कौन हैं, कुछ सर यहाँ पे क्यों नहीं है, सो लेट मी टेल यू दैट टुडे I am hosting this show on behalf of Kusar. So I hope we will be able to utilize this session to the best. और यहाँ पे session बहुत ज़्यादा important होगा क्योंकि yesterday के current affairs और आज के current affairs दोनों को एक साथ लेके हम आए हैं इस show में, और साथ ही साथ हम आपके साथ ये भी discuss करेंगे कि news से कौन सा question exam के लिए important होगा. So I hope मुझे आपका acceptance मिलेगा आज के लिए और हम आज के इस show को बहुत ही अच्छे से सीट कर सके, आगे बढ़ाया जा सके. तो एक बार जल्दी से बता दीजिए दैट इट्स ओके एंड दैट वी आर रेडी टू स्टार्ट. ओके, चलो. ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड लेट अस बिगिन विद द शो. लेट अस स्टार्ट विथ द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. नाउ लेट अस कम टू द कोट फर्स्ट, दैट इज डोंट मेक द डेज काउंट, मेक द डेज काउंट. डू नॉट काउंट ईच एंड एवरी डे. से फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया कि अब से लेके SSC तक आपके 30 दिन बचे हैं या फिर 40 दिन बचे, सो यू डोंट काउंट द डेज, यू मेक द डे काउंट. आज आपने मैथ्स किया, कल आपने GS किया, परसों आपने रीजनिंग किया. इस तरीके से हर एक दिन को काउंट कीजिए, हर एक दिन के इम्पॉर्टेंस काउंट कीजिए. इन शॉर्ट, वन डे एट अ टाइम एंड डू नॉट जस्ट काउंट दैट देयर इज 30 डेज टू गो और 60 डेज टू गो, राइट. सो मेक life big and not the entire process but each day at a time. Har din ka apna ek importance hai aur ye Muhammad Ali ne kaha hai. Now I hope you all know the field he is associated to. If yes, then please mention ki wo kaun se field se associated hai. Tab tak hum aage badhte hain aur chalte hain hamare important headlines pe. Now there are headlines from 17th and 18th as well. सबसे पहला बात जो यहाँ पे है, time to shift focus from land to water productivity in farming. Farming में किस तरीके से water को बेहतरीन तरीके से use किया जा सके और उसका हम अच्छे से utilize कर सके. For example, जैसे कि drip irrigation हो गया तो उससे क्या होगा, पानी का भी wastage नहीं होगा. Flood plain जैसे आपके पूरी तरीके से जो खेती का ground होगा वो नहीं दिखेगा और land का भी अच्छा use होगा. आगे चल के पंजाब और हरियाणा जैसे सेलिनिटी का फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा. द नेक्स्ट इज वीडियो असिस्टेंट रेफरी. सो जिस तरीके से क्रिकेट में आपने देखा कि एक आपका थर्ड एम्पायर होता है जहां पे आपको वीडियो असिस्टेंस मिलता है, सिमिलरली येस बॉक्सिंग इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. जितने लोग यहाँ पे बॉक्सिंग लिख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है. तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज धनुष आर्टिलरी गन क्लियर्स फाइनल ट्रायल. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन फ्रॉम 18th of June 2018. जो धनुष है, आप याद कीजिए, बहुत पहले, आज से कई सालों पहले जो आपका स्कैम हुआ था दैट वॉज रिगार्डिंग योर स्वीडिश बॉफर गन्स. तो उसके बाद, उस पूरे स्कैम के बाद, अब हमारे पास ये धनुष आर्टिलरी गन्स है. नाउ आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. नेक्स्ट इज ग्रीस मेसिडोनिया एग्रीज ऑन न्यू नेम. MCLR बेस रेट मर्ज प्रूव्स इल्यूसिव, दैट इज टॉकिंग अबाउट योर MCLR. फिर उसके बाद दो केस स्टडीज है, एक स्मार्ट सिटी मिशन को लेके और दूसरा कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को लेके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन के साथ, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. तब तक के लिए एक बार न्यूज़पेपर पे भी नज़र डाल लेते हैं, न्यूज़पेपर का दर्शन कर लेते हैं. एक बार न्यूज़पेपर पे प्लीज़ फोकस कर दीजिए. नाउ दिस इज द न्यूज़पेपर ऑफ 18th और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ceasefire ends, ops against Jammu and Kashmir militants to resume. अब इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक महीने के लिए जो है हम लोगों ने सीज फायर किया था, यानी कि नो फायर, सीजिंग ऑफ फायर. बॉर्डर में किसी भी तरीके का कोई भी गोली बारूद नहीं होगा. अभिषेक करण, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज कुसर यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, इसीलिए आई एम होस्टिंग द शो ऑन बिहाफ ऑफ कुसर. आई होप आई गेट योर एक्सेप्टेंस. तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि देखिए, एक महीने का यहाँ पे सीज फायर रखा है कि नो वायलेंस. उसके बाद देर वेर मैनी पीपल हु वेर सेइंग दैट इस सीज फायर को आगे कंटिन्यू करें, मतलब इसे आगे बढ़ा के ले जाए. बट उसी से रिलेटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुछ जवानों का मर्डर हो गया था, उसके बाद उनको मार दिया गया था, कुछ लोगों का औरंगज़ेब का किडनैपिंग हो गया था. देन वी हैड ऑल्सो सीन कि एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, आगे हम आपको बताएंगे, एक बहुत ही
फेमस जर्नलिस्ट है जो कि जिनका कि क्या हुआ था, जिनको फिर से मार दिया गया था. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नो सीज फायर. और सबसे बड़ी रीज़न जो यहाँ पे आया है वो क्या है, दैट अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है 28 जून से. और अमरनाथ यात्रा पे किसी भी तरीके का कोई भी आपका सिक्योरिटी इशू ना हो, इसीलिए इस सीज फायर को कंटिन्यू करने की बात कही गई है. चलिए एक बार आते हैं हमारे स्लाइड पे वापस, इसी से रिलेटेड हमारे पास स्लाइड भी है. सो सीज फायर एंड्स ऑपरेशन अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंट्स टू रिज्यूम एनहेंस थ्रेट टू अमरनाथ यात्रा कमेंसिंग ऑन 28 जून. नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू रिज्यूम द सीज फायर इज बिकॉज वी आर स्केर्ड दैट आर अमरनाथ यात्रा में द यात्रीज इन द अमरनाथ यात्रा, उनको कुछ दिक्कत हो सकता है. इसीलिए अब वी आर गोइंग टू टेक एक्शंस एंड वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ द सीज फायर. नाउ प्रीवियसली भी हमने देखा था कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आपके वैसे तो पूरे रास्ते में सिपाही खड़े होते हैं, बट उसके बाद भी वायलेंस हुआ है, तो इसीलिए हमने इस सीज फायर को यहाँ पे ख़त्म किया है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट के पास, दैट इज़ योर धनुष आर्टिलरी गन क्लियर्स फाइनल ट्रायल. तो इसमें बात किया गया है अबाउट धनुष, जो कि काफ़ी समय तक, कोई बात नहीं हम उसी स्लाइड पर वापस आ जाते हैं, पहले स्लाइड पर वापस आ जाते हैं. चलिए तो इसमें प्लीज़ इंक्रीज वॉल्यूम. सो आई होप यहाँ पे आपको वॉल्यूम क्लियर है. विवेक धन्यन प्लीज़ एक बार लिख दीजिए. ओके चलो. सो दिस इज़ अबाउट दी धनुष आर्टिलरी गन क्लियर्स फाइनल ट्रायल. तो ये हमने देखे, सबसे पहले तो स्वीडिश बोफर्स गन प्रोक्योरमेंट इंडिया ने किया था इन दी मिड 1980s, और तब से लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपका स्कैम में भी घुस गया था. इसको रिलेटेड काफ़ी आपका यू नो देयर वेर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल ट्रॉमा एज वेल रिलेटेड टू दिस. देन उसके बाद अभी जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, फाइनली धनुष आर्टिलरी गन इसने क्लियर कर दिया है फाइनल ट्रायल्स. एंड आफ्टर दैट इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड और इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी. सो आई होप ओके वॉल्यूम क्लियर है. तबस्सुम प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग द सेम. चलिए तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है धनुष क्या है. तो ये अभी आपका इंडियन आर्मी में यूज़ किए जाने वाला है. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ वी विल अगेन डिस्कस विथ यू ऑल दी इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस. प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट इट. देखो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिए एंड से दैट इट्स ओके, बिकॉज दैट यू नो कीप्स मी हैप्पी एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू यू नो कंटिन्यू द सेशन, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ यू कैन सी देर इज़ अ गाय हु इज़ स्माइलिंग विथ अ कैमरा. वो स्पैक्स वगैरह लगा के, गॉगल्स लगा के एक साइकिल में रास्ते में, एक सुनसान रास्ते में चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं. नाउ वॉट इज़ दिस एंटायर इमेज अबाउट, एक बार न्यूज़पेपर में अगर हम फोकस करेंगे. सो ही इज़ अ टीचर. वो एक टीचर है जो कि जा रहे हैं अभी एक मैच देखने के लिए रशिया में, बट ही डिसाइडेड टू गो बाई साइकिलिंग. साइकिलिंग करके उन्होंने जाने का यहाँ पर जो है ये निश्चय किया है. ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज़ होपिंग कि इस पूरे प्रोसेस के बाद ही विल गेट द ऑटोग्राफ फ्रॉम लियोनेल मेसी. मेसी से ऑटोग्राफ ये लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने साइकिलिंग का रास्ता चुना है. नाउ व्हाट इज हिज नेम? हिज नेम इज क्लिफिन फ्रेंकिस. सो क्लिफिन फ्रेंकिस होप्स टू गेट ऑटोग्राफ फ्रॉम मेसी. चलिए देखते हैं. वो बेसिकली एक टीचर है एक कोचिंग सेंटर में अर्नाकुलम में. सो आते हैं हमारे इससे रिलेटेड पीपीटी पे. नाउ टू रशिया विथ लव ऑन अ साइकिल. अ टीचर कीप्स हिज डेट विथ वर्ल्ड कप, दैट इज़ वर्ल्ड कप देखने के लिए वो जा रहे हैं. उनके पास एक ही मैच का टिकट है, बट इवन आफ्टर दैट ही होप्स फॉर एन ऑटोग्राफ. सो इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन, हु इज़ द इंडियन टीचर हु हैज़ डिसाइडेड टू टेक द रूट बाय अ साइकिल टू रशिया टू वॉच वन ऑफ द वर्ल्ड कप मैचेस एंड टू गेट द ऑटोग्राफ ऑफ मेसी, देन यू नो दैट ही इज़ क्लिफिन फ्रेंकिस. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पे क्या है. सो द नेक्स्ट वन हियर इज अगेन, सो दिस इज द इमेज अबाउट धनुष जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे.
इसमें आप देख पा रहे हो कि इंडिजीनियस फायरवर्क है, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये आपका धनुष का अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज़ जो आपका मॉडिफाइड वर्जन है, दिस इज़ द न्यू वर्जन, राइट। तो ये सिर्फ आप नाम याद रखने से हो जाएगा फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडलाइन पे। सो एक बार न्यूज़पेपर में फोकस करेंगे। यू कैन सी द नेक्स्ट वन हियर इज़ अबाउट यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018। यूरोपियन, हाँ अमरदीप बिल्कुल, मेसी इज ग्रेट, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ यस प्रीति शर्मा, दिस इज़ द अपग्रेडेड वर्जन, नया वर्जन है, ठीक है। चलो, सो यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018। नाउ यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट वेयर इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन फेस्टिवल 2018 टुक प्लेस। यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018 का इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा कि इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हुआ। ये कब से कब तक है? ये 18 से 24 जून तक है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आज से ये शुरू हो चुका है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये आपका न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। सो इफ यू गेट 2 to 3 क्वेश्चंस और ऑप्शंस दैट वेयर इज द फिल्म फेस्टिवल हेल्ड और कहां पे ये हुआ है, देन यू रिमेंबर। वैसे तो यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल है, बट स्टिल इट द इनॉग्रेशन हैज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम इज इन, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम कहां पे है? तो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे एक और न्यूज़ आपका आ गया है विच इज़ अबाउट द दुधुआ। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनेगा, चलो सो आई ट्राई टू गो टू द न्यूज़पेपर अंटिल देन। सो यू कैन सी दुधुआ डेरलिंग बेट लाइक एलिफेंट इज़ नो मोर। तो यहाँ पे दुधुआ के अंदर एक आपका 19 ईयर ओल्ड एलिफेंट था, ठीक है, और ये जो 19 ईयर ओल्ड एलिफेंट है, द 19 ईयर ओल्ड एलिफेंट हैज पास्ड अवे बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज, ये पेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नाउ यू विल आस्क मी दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूज। यू विल गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस न्यूज दैट वेयर इज दुधुआ नेशनल पार्क लोकेटेड। दुधुआ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका पेज नंबर 6 में ये आपका न्यूज़ है। एनीवेज, तो आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि दुधुआ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। सो नेशनल पार्क से डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, एंड यू नो दैट यस, बिल्कुल सही, यहाँ पे बहुत लोग आंसर में लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश। सो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू विल गेट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे बाढ़ के जैसा एक सिचुएशन आया हुआ है, समथिंग लाइक अ फ्लड काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो आप बताइए कि अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में, आप जिस किसी स्टेट में हो या फिर आपको पता है कि आपके आसपास किसी स्टेट में फ्लड आ रहा है। सो इन बोथ द केसेस प्लीज़ टेल अस कि अभी कौन कौन से स्टेट्स में फ्लड आए हुए हैं, ये आप हमारे साथ शेयर कीजिए। नाउ लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो मेरे स्टेट में अभी फ्लड आया हुआ है, असम में हाजो के अंदर फ्लड आया हुआ है। उसके अलावा कावेरी में यहाँ पे आपका एक रिवर बेसिन के वजह से बिकॉज ऑफ सम मिस हैपनिंग्स इन अ डैम, जो आपका दोष दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके वजह से भी यहाँ पे फ्लड आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग लिख रहे हैं कि केरला में फ्लड आया है, त्रिपुरा में फ्लड आया हुआ है, तो सब लोग अपने अपने जगह के बारे में लिख रहे हैं। चलिए, सो अब हम आते हैं और चलते हैं इस इमेज पे, पेपर पे एक बार आप लोग देखिए कि द कावेरी वॉज इन स्पेट। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज काबिनी रिजर्वॉयर इन कर्नाटका। नाउ वैसे तो ये पानी रिलीज किया गया है, बट आपको ये याद रखना है कि काबिनी रिजर्वॉयर कहाँ पे है। सो काबिनी रिजर्वॉयर कर्नाटका में है। नेक्स्ट देखिए, मेट्टूर डैम, काबिनी रिजर्वॉयर से पानी कहाँ गया है? मेट्टूर डैम में गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? मेट्टूर डैम कहाँ पे है? देन अगेन योर आंसर विल बी मेट्टूर डैम बिल्ट ऑन कावेरी इज इन
कर्नाटका, तो दोनों आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में है. सो यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स फ्रॉम हियर. वन इज काबिनी रिजर्वॉयर, वेरी गुड, यहाँ पे सुब्री कुमारी ने लिख दिया है. एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट इज योर मिट्टूर डैम. मिट्टूर डैम कहाँ पे है, ठीक है. सो डैम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे. नेक्स्ट इमेज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं. अब क्योंकि कुछ लोग योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप हमें ये बताइए. ओके, काबिनी रिजर्वॉयर तमिलनाडु तक आगे बढ़ता है, बिल्कुल सही, और इसीलिए आपका तमिलनाडु कर्नाटका का ये पूरा इशू जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है. क्योंकि देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका से होते हुए आपका तमिलनाडु से होते हुए देन इट रीचेस योर बे ऑफ बंगाल, दैट इज़ वाई यू सी कि यहाँ पे ये पूरा डिस्प्यूट आपका आगे आया है. तो नेक्स्ट जो इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द इंटरनेशनल योगा डे. एंड यू सी पीपल आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग हियर फॉर द इंटरनेशनल योगा डे इन हैदराबाद. तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कौन से डेट को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं. वेरी गुड, आई कैन सी मैनी पीपल राइटिंग ऑन द चैट बॉक्स 21 जून, बिल्कुल. तो 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. चलिए तो इसके बाद इससे जस्ट नीचे, अच्छा इसके ऊपर दो और न्यूज़ आया है कि विजय माल्या फेसेस न्यू चार्जशीट और नीरव हैज़ 6 पासपोर्ट्स फ्रेश FIR लाइकली सून. तो दोनों ही महान व्यक्ति जो है यहाँ से हमारे देश से पैसे लेके बाहर गए हुए हैं, तो देखिए अब इनके पैसे कब तक वापस आते हैं. एक महाराज के पास यहाँ पे, नीरव मोदी जी के पास, इनके पास है आपके 6 पासपोर्ट्स. एंड विजय माल्या के बारे में भी आपको पता ही है पूरा जो NPA का केस है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द 6,027 crore दैट ही हैज़ टेकन फ्रॉम द नेशनलिस्ट बैंक्स इन इंडिया. चलो उसके लिए तो हमें रुकना पड़ेगा कि क्या फैसला आता है. तब तक हम चलते हैं यहाँ पे हमारे स्कीम पे, दैट इज़ गवर्नमेंट टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ इट्स एड्स. गवर्नमेंट जो एड्स होते हैं ना, जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं न्यूज़पेपर्स में, जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, इसका, इन एडवर्टाइजमेंट का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे गवर्नमेंट स्टडी करने जा रहा है. गवर्नमेंट एसजीत, आई एम सो सॉरी कि आपको ऐसा लगा, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एनीवेज, तो गवर्नमेंट टू स्टडी इम्पैक्ट्स ऑफ इट्स एड्स, जो भी गवर्नमेंट ऐड करता है न्यूज़पेपर में उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टडी करने का कोशिश करेगा. इनिशिएटिव कम अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस जो है 2019 में होने जा रहा है फिर से, तो उसी के ऊपर आपका बात किया गया. एनीवेज, तो गवर्नमेंट ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये देखिए LPG सब्सिडी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. LPG सब्सिडी से लॉट मेनी हाउसहोल्ड्स उनको जो है गैस का सप्लाई प्रोवाइड हुआ है. सो यू सी DAVP स्पेंट अबाउट 1,286 crore इन 2016-17 ऑन एडवर्टाइजमेंट्स. तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो आप देखिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टोटल खर्चा हुआ है 1,286 crore rupees. ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च हुआ है, राइट. ओके, सो आफ्टर दिस लेट अस गो टू अ न्यू हेल्थ स्कीम. इसी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो न्यू हेल्थ स्कीम फ्लॉड बाय IMA. यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज़ डिमांडेड द रिव्यू ऑफ द सेंटर्स एम्बिशियस नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. तो इसके ऊपर, मतलब इस स्कीम को आपका फर्दर डिस्कस किया जाए और इस स्कीम के बारे में आपका, इसमें जो भी आपका रिव्यूज़ करना बाकी है, जो भी इसमें फ्लॉज है, जो भी गलतियाँ हैं, उसको रिव्यू करने के बारे में इसमें बात किया गया है. चलिए चलते हैं अब हमारे PPT पे और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट PPT के तरफ. और इस इमेज पे आप देख पा रहे हैं कि एक एक्वेरियस का फ़ोटो आपको इसमें देखने को मिल रहा है. तो ये एक्वेरियस जो है ये अभी स्पेन पहुंचा है. और एक्वेरियस बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ माइग्रेंट बोट. सो यू सी माइग्रेंट बोट एक्वेरियस अराइव्स इन स्पेन. नाउ दिस इज़ अ वेसल विच इज़ कैरिंग सब सहारन अफ्रीकन्स
टर्न्ड अवे बाय इटली एंड माल्टा. तो इसके अंदर कुछ सब सहारा के अफ्रीकन लोग हैं जिनको ऑलरेडी आपका इटली में लास्ट वीक नहीं एंटर करने दिया गया था. सो ऐसे टोटल 106 लोग हैं और ये 106 पीपल दे हु हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम रीजन्स नियर लिबिया, नाउ दे आर इन दिस एक्वेरियस. और ये 106 लोग अब आगे चल के कहाँ जाएंगे ये आपका देखने का बात होगा. इफ़ दे विल गेट असिस्टेंस देन वेयर विल दे रीच ये आपका देखने का बात होगा. फिलहाल ये कहाँ पहुँचे हैं, फिलहाल ये स्पेन जाके पहुँचे हैं. सो वॉट इज़ द नेम ऑफ द माइग्रेंट बोट विच हैज़ अराइव स्पेन कैरिंग 106 people from Libya or sub-Saharan Africa, then the name is your Aquarius. Aquarius is the name of the boat. Now with this, let us come to the next image that we have. So the next image here is, as you can see, this is basically a graph which is your reviving up for growth. And this graph is talking about the infrastructure firms has seen a new high in order placement. Cement, steel, commercial vehicles and railways have been seen traction. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टील के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. As a result of which possibility ये है that we will also get more output with respect to steel, cement, etc. Cement से related एक बात और ये भी है that भरतमाला and सागरमाला are expected to drive consumption this year. So हमारे government के दो प्रमुख projects जिनका नाम है भरतमाला and सागरमाला, वहाँ हम ये जो higher cement production जो हमारे पास होगा उस cement production का हम utilization कहाँ करेंगे. We will use that cement production in making of your the roads that are your Bharatmala and Sagarmala, जो कि चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भारी भरकम यहाँ पे आपका टक्कर ज़रूर देगी. Now guys, एक बार हम आपसे एक बात और ये भी कह दें that the United States of America, उन्होंने हमारे यहाँ पे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ लगाया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने भी अभी क्या किया है 30% कुछ ड्यूटीज़ उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा लगा दिया है. तो देखेंगे जब वो न्यूज़ पे आएगा तब उसके बारे में देखेंगे. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के पास. सो द नेक्स्ट वन हियर आप देख सकते हैं कि ओला है यहाँ पे, ओला उबर. नाउ रिसेंटली दे हैव बीन अप्रिशिएटेड फॉर द कस्टमर सर्विस दैट दे आर डूइंग. तो यहाँ पे अगेन ओला उबर के बारे में बात किया गया है. एंड यू नो दैट हु इज़ द बॉस ऑफ ओला, ही इज़ योर भवीश अग्रवाल. तो इस न्यूज़ में बेसिकली ये बात किया गया है दैट इंडियाज टैक्सी ऐप वॉर मिमिक्स चाइनाज स्लग फिस्ट. सो ओला मे बी लूजिंग $1 billion अ ईयर. सो एनी वेज वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज हु इज़ द यू नो ओलर ऑफ ओला ऐप्स और उसके बाद हु इज़ फॉर योर ऊबर, ये दोनों आप यहाँ पर याद रख सकते हो. ऑल्सो इफ़ देर इज़ एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल अगर आपको रिलेटेड टू आपका रोड इनिशिएटिव्स, रिलेटेड टू डीकंजस्टेशन ऑफ द रोड, रिलेटेड टू जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं क्या यूज़ कर सकते, तो ये ऐप्स आपका यूज़ कर सकते हैं. सो यू शुड बी नोइंग देयर नेम. आशा रानी ये आपका नंबर है, जब आपका ओला ऐप आप जब ऐप से नहीं उसको रन कर सकते हो तब आप इस नंबर पर कॉल करके भी इसको बुक कर सकते हो, ओला को बुक कर सकते हो, वो नंबर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ. नाउ द नेक्स्ट इमेज हियर यू कैन सी, ये कुछ लोग हैं जो पहाड़ों में हिमालय में कैंप लगा के बैठे हुए हैं. तो ये लोग हिमालय के अंदर इस तरीके से कैंप में क्यों बैठे हुए हैं. नाउ यू नो दैट अ लॉट मैनी पीपल दे विजिट दी, वो कैंपिंग करने जाते हैं छुट्टियों में या फिर अदरवाइज ऑल्सो. और जब वो कैंपिंग करने जाते हैं देन इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड कीप यू नो द रीजन वेरी क्लीन. तो माउंट एवरेस्ट में अगर कोई माउंटेनियरिंग करने जा रहा है तो उनको इस रीजन को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. बट न्यूज़ में क्या आया है देखिए, माउंट एवरेस्ट इज़ नाउ द हाइएस्ट डंप. नाउ वी हैव हर्ड, हम लोगों ने पहले ही स्पेस पोल्यूशन के बारे में सुना है. नाउ आफ्टर स्पेस पोल्यूशन वी आर ऑल्सो हियरिंग कि हमारे माउंटेन्स में भी हम जाके क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी देर इज़ इक्विपमेंट्स
ये सब लिटर फैलाए हुए हैं. देन देयर इज़ ह्यूमन फेसेस, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन वहाँ पे नहीं है. देयर इज़ यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग ऑन देयर. आप इस कैंप में देख सकते हैं रबिश इज़ बीइंग स्कैटर्ड अराउंड द कैंप फोर ऑफ माउंट एवरेस्ट. सो ऑल दीज आर कॉजिंग द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन, विच इज़ द वर्ल्ड हाइएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट. और इस पीक का हाइट कितना है, 8,848 किलोमीटर्स. इसको गंदा करने में ये क्या कर रहा है, खराब काम कर रहा है, इसे गंदा कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ द माउंटेन इज कैरिंग टन्स ऑफ वेस्ट. नाउ इफ़ यू कैन देन प्लीज़ मैंशन इट इन द चैट बॉक्स, प्लीज़ मैंशन इट इन द चैट बॉक्स कि सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की है उनका नाम क्या है, फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम दी माउंट एवरेस्ट. नाउ एसजी अगेन कुछ सर बिल्कुल ज़रूर वापस आएंगे. आज के लिए बस आप हमें झेल लो, ठीक है. और अगर आपको पसंद आ रहा है देन यू कैन ऑल्सो लाइक दी सेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज पे. नाउ द नेक्स्ट इमेज हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और द सुपर मैसिव ब्लैक होल डिस्ट्रॉइंग स्टार स्पॉटेड. तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक न्यू सुपर मैसिव ब्लैक होल को यहाँ पे डिस्कवर किया है एंड फर्स्ट टाइम इमेज ऑफ द फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ जेट ऑफ मटेरियल इजेक्टेड व्हेन सुपर मैसिव ब्लैक होल रिप्ड अपार्ट अ स्टार. सो दिस इज जस्ट अ इमेज जो जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक स्टार को बिचेंद्री पाल एब्सोल्यूटली करेक्ट. ओके, बिल्कुल सही. नाउ यहाँ पे देखो तीन चार नाम लिख रहे हैं, बिचेंद्री पाल कुछ लोग लिख रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा इज फर्स्ट एम्प्यूटी जिनका एक लिम्ब में उनको चोट लगा था, सो दैट आंसर विल बी अरुणिमा सिन्हा. संतोष यादव हु हैज क्लाइम्ड इट मोर देन वंस, दैट नेम इज योर संतोष यादव. तो इस तरीके से तीनों ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही है ये देख के आंसर करना है, ठीक है. तो दिस इज जस्ट आई वॉन्टेड टू शो यू हाउ अ स्टार इज डिस्ट्रॉयड, ये बस आपका इमेज के लिए हमने रखा था. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे. सो एज यू कैन सी द नेक्स्ट इमेज हियर, आप पहचान सकते हैं इनको, ज़रूर सब लोग पहचान सकते हैं. ही इज़ नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड यू नो आइंस्टाइन ट्रेवल डायरीज रिवील हिज रेसिस्ट व्यू. सो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से देश से थे, वो जर्मनी से थे, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है. तो दिस विल बी इनफ फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर. अब हम चलते हैं यस्टरडे के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस पे जो हमारे पास है. तो अब हम कल के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस पे चलेंगे, ठीक है. तो गाइस वन मोर थिंग, सेशन अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग लगे तो फिर आई होप आप इसके साथ कोप अप कर पाओगे. चलो एक और आज ही के न्यूज़पेपर से यहाँ पे आ गया है. सो दिस इज़ अबाउट मेहुली घोष, जो आपको इमेज में दिख रही है, हर नेम इज़ मेहुली घोष. अगेन आइंस्टाइन के लिए जितने लोग इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर लिख रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है. बट आप लोग मुझे चैट बॉक्स में अभी यह आंसर करो कि उनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था. इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर इज़ द रिलेटिविटी इक्वेशन गाइस, यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि उनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था, ठीक है. चलिए सो हर नेम इज़ मेहुली घोष एंड यू कैन सी व्हाई शी इज़ इन न्यूज़ इज़ बिकॉज नैरोली मिसेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट बाय चाइनाज जू. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसने सेट किया, हर नेम इज़ जू एंड शी इज़ फ्रॉम चाइना. बट आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, मेहुली घोष इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड है. सो रिमेंबर दैट मेहुली घोष इज रिलेटेड टू एयर राइफल. सो वो एयर राइफल से इस स्पोर्ट को वो खेलती है, बेसिकली राइफल चलाने का, बंदूक चलाने का गेम वो खेलती है, विच इज़ योर एयर राइफल. शी इज़ 17 ईयर ओल्ड, वो सिर्फ 17 साल की है एंड दैट इज़ वाई यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है. और एक और नाम ज़रूर यहाँ पे याद रखिएगा, जॉयदीप कर्माकर. जॉयदीप कर्माकर ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये भी आपको पूछा जा सकता है. एंड जॉयदीप कर्माकर आल्सो बिलोंग्स टू योर द सेम स्पोर्ट, दैट इज़ योर एयर राइफल, ठीक है गाइस. समझ में आ रहा है तो फिर प्लीज़ लाइक भी करते जाओ, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे. नाउ द नेक्स्ट इमेज हियर, दिस इज़ फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज़पेपर. अब हम कल के न्यूज़पेपर पे आ गए हैं तो कल का न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं है अब, बट वी विल कंटिन्यू द सेम विद द
विद द पीपीटी. सो यू कैन सी एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हु वॉज एडवोकेटिंग फॉर कंटिन्यूइंग द सीज फायर इन द जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर, कि जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर में सीज फायर को कंटिन्यू कीजिए. इनको हाल ही में मार दिया गया, इनको इनकी हत्या कर दी गई. सो हुआ ये था कि 2006 में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था व्हेन ही हैड फेस्ड सम वायलेंस, बट उसके बाद उनको दो बॉडीगार्ड दिया गया. अब नाउ व्हेन ही वाज एडवोकेटिंग फॉर द सेम कि सीज फायर को चलिए एक्सटेंड करते हैं, तो इनका भी हत्या किया गया और इनके जो दोनों बॉडीगार्ड्स थे उनका भी हत्या किया गया. सो ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर, Rising Kashmir, who has been recently shot dead. तो आंसर क्या हो गया? Sujat Bukhari is the name of this person. That is आंसर क्या होगा? Sujat Bukhari. So please guys write down the name so that you will remember the same for your exam purpose. लीला हमें पता नहीं हम क्यों नहीं दिख रहे हैं. आई होप अभी हम भी दिखने लगे आगे से. चलो लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. So the next slide here, this is regarding the flood which has happened in Assam के अंदर आपका flood हुआ है, तो इसका ये image है. ये आपका Hozai में का ये image है. So if you get a question कि Hozai कहाँ पे है, so remember Hozai is in Assam and five more people have been now killed in your you know the floods. So let us come to the next slide. Now this is again about the pollution, जो कि अब हम लोग वापस आएंगे पिछले वाले स्लाइड पे, कल के स्लाइड पे. चलो Sujat Bukhari जितने लोग लिख रहे हैं, एब्सोल्यूटली the answers are correct. हाँ चलिए तो वापस आने का कोशिश करते हैं स्लाइड पे. अब हम दिखने भी लग गए हैं फ्लड. वैसे देखिए केरला के अंदर Suruchi Agarwal, Hozai is also very important for a temple. वहाँ पे Hozai temple है, इसीलिए भी आपका ये important है. Sachin Sharma, you will definitely be able to download the PDF. We will also upload the same in the Telegram link. बस आपको like करना होगा, ठीक है? तभी आपको ये PDF मिलेगा. चलिए अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट पीपीटी पे, जो हमने हमारा जो पहला वाला जो पीपीटी है, जो हमारा नया मॉडल का जो पीपीटी है, जहाँ पे कल के करंट अफेयर्स है, उसमें हम एक बार यहाँ पे आएंगे. ओके सो एज यू कैन सी हमारे स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में प्रकट होने वाला है हमारा आज का बाकी पीपीटी, जिसमें हम कल के भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर जी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए. नए फॉर्मेट ऑफ द पीपीटी पे हम आते हैं एक बार, जहाँ पे हमने कल के हेडलाइंस डिस्कस किया था, उसमें हमें ओके सो दिस वन इज़ अबाउट टाइम टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम लैंड टू वाटर प्रोडक्टिविटी इन फार्मिंग. तो नाबार्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, एंड एवरी टाइम नाबार्ड रिलीजेस अ रिपोर्ट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. तो नाबार्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है दैट साइट्स 10 मेजर क्रॉप्स अक्रॉस द कंट्री रेकमेंड्स रीअलाइनमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न टू वाटर अवेलेबिलिटी. तो जिस तरीके से पानी अवेलेबल हो उसी तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न्स को रखा जाए, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्रॉप्स को उगाए, ऐसा नाबार्ड ने सजेस्ट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. आई होप ये सभी को पता होगा. नाबार्ड इज़ योर नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट जो नाबार्ड ने पब्लिश किया है. द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज़ प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स. व्हाट इज़ द नेम? प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स. तो यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स को हमने इंक्लूड किया है? 10 क्रॉप्स को इंक्लूड किया है, जो है राइस, व्हीट, मेज, रेड ग्राम, देन देर इज़ योर चिकपीस, दैट इज़ चना जो आप खाते हो, चना है, शुगर केन है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, रेप सीड है, मस्टर्ड है. सो ऑल दीज आर दी आइटम्स इंक्लूडिंग पोटैटो. सो दीज आर दी आइटम्स जो आपका यहाँ पे नाबार्ड ने इनके ऊपर आपका ये रिपोर्ट को रिलीज किया है. सो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर नाबार्ड एंड द रिपोर्ट दैट नाबार्ड हैज रिलीज. चलिए आगे बढ़ते और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. सो दिस इज अबाउट टाइम टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम लैंड टू वाटर प्रोडक्टिविटी. ये हमारा कल का न्यूज़ है, 17th का है. तो यहाँ पे नाबार्ड ने इसको रिलीज किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ योर दिस 10 क्रॉप्स दे हैव गिवन दिस पैटर्न. वॉट इज द नेम ऑफ द क्रॉप? यू ऑलरेडी नो. फोकस किस पे किया गया है इस पूरे रिपोर्ट पे? चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर. इसका मतलब एक मोर क्रॉप पर ड्रॉप. सेम आइडिया यहाँ पे भी है, मतलब एक ड्रॉप में या फिर एक यूनिट ऑफ वाटर में कितना हम लोग एग्रीकल्चर कर ले जाए, कितना हम लोग बेस्ट यूज़ ऑफ वाटर यहाँ पे कर ले जाए, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसके साथ चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. So the next slide is about the lowdown on video assistant referee. So this is talking about your video assistant referee, जो कि आपका आप देख रहे हो इमेज में कि वो स्क्रीन पे जूम करके देख रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है. और अभी जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि should there be your video referee in the FIFA World Cup that is happening, or should there not be any kind of such thing. तो इसके बारे में ट्रायल हम 2016 में ही कर चुके हैं, जब आपका इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB उसने डिफाइन किया था गेम्स के सारे रूल्स को, और उन्होंने इसके बारे में बात किया था कि ऐसा कुछ हम 2018 से आगे चल के कर सकते हैं. चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा PPT. So this is about the video assistance referee, that is your VAR. What is this? This is basically a system, एक computer बना हुआ होगा जहाँ पर आप zoom in करोगे और देखोगे actually क्या हुआ क्या नहीं हुआ, and with respect to that you can give the proper judgment कि actual में out था कि नहीं out था. जैसे cricket में करते हैं तो यहाँ पर goal लगा, कितने से miss हुआ, कितने से miss नहीं हुआ, right? तो this is the first time. Russia 2018 which kicked off on Thursday, आपको पता है कि हाल ही में FIFA World Cup 2018 शुरू हुआ. वेन्यू क्या है? देन योर आंसर विल बी वेन्यू इज रशिया, राइट. चलिए इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट PPT पे. तो इससे क्या होगा, जो हमारे रेड कार्ड, येलो कार्ड, ये सब जो इशू करते रहते हैं, एक्चुअल में किसका गलती है नहीं गलती है पता नहीं, तो इसमें आपका आसानी होगा टू फाइंड आउट हुज मिस्टेक इट इज. अब सेशन लंबा हो रहा है तो बोर होके भागना मत और लाइक करते जाओ, अपना हौसला और मेरा हौसला बढ़ाते जाओ. धनुष आर्टिलरी गन क्लियर्स फाइनल ट्रायल, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो यू प्लीज रिमेंबर दैट द नेम इज योर धनुष. चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. सो दिस इज द सेम इमेज अबाउट धनुष. सो यहाँ पे बात किया गया है कि ये डिज़ाइन किया गया था, वैसे तो 1980 में ही हमने स्वीडिश बफर को ख़रीद लिया था, फिर धनुष क्या है, इसी स्वीडिश बफर को हमने अपग्रेड किया है, एंड द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द स्वीडिश बफर्स गन परचेस्ड बाय इंडिया इन 1980. व्हाट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन? द अपग्रेडेड वर्जन इज़ धनुष, ठीक है. और 2010 से 2013 तक डिज़ाइन किया था इस पूरे चीज़ को, किसने डिज़ाइन किया था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड ने डिज़ाइन किया था. नाउ बाई 2020 इंडियन आर्मी के पास 114 सच गन्स विल बी बिल्ट बाई द इंडियन आर्मी बाई द टाइम वी अराइव 2020. मतलब नेक्स्ट ईयर हमारे पास ऐसे मॉडिफाइड वर्जन 114 गन्स होगा. तो इनिशियली 1980 के अंदर बोफर्स खरीदा था, उसी का अभी रीडिफाइंड वर्जन जो है वो धनुष है, जो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के मदद से डिज़ाइन किया था, ठीक है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट
पीपीटी पे. सो दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट. आपको सिर्फ यह याद रखना है गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा किया है. 1,286 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है. और किसने किया है बेसिकली ये स्पेंडिंग? DAVP ने ये स्पेंड किया है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DAVP? डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नोडल एजेंसी रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट? जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, दैट इज योर DAVP. चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. सो दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट मनी ऑन फाइंडिंग आउट कि हमारे हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो किस हद तक आपका इफेक्टिव है और किस हद तक आपका इफेक्टिव नहीं है. ठीक है. सो द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्लान्स टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टडी टू गॉज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन पीपल. आखिर ये जो हम लोग सैनिटेशन ये सब जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसका इम्पैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है, इम्पैक्ट है. अभी काफ़ी सारे आपका सैनिटेशन फ्री एरियाज डिक्लेयर किया गया है. पूरा जो गंगा बेसिन है उसको सैनिटेशन फ्री डिक्लेयर किया गया है. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट, राइट? तो इसका ज़रूर हमारे पे इम्पैक्ट है. तो अगर हम स्टडी करेंगे कि कितना इम्पैक्ट है, ज़्यादा इम्पैक्ट है तो हम और पैसे खर्च कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं है. द अमाउंट स्पेंड बाय द एजेंसी इन 2016-17 वाज 8.15% हायर देन व्हाट वी हैड स्पेंड इन 2015-16. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं. और ज्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने के वजह से क्या हो रहा है? लोगों तक ज्यादा जागरूकता पहुंच रही है एंड पीपल आर थिंकिंग मोर. फॉर दिस आई टेल यू, रिसेंटली व्हाट्सअप में एक आपका एड जिसमें आपका एक दैट गाय एंड जो सैनिटेशन पे बेस्ड जिस मूवी को कर रहे थे दैट सेम पर्सन अक्षय कुमार, सो दे वेर डूइंग एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट शौचालय होगा तो दो गड्ढों वाला होगा. एंड इट वॉज सो नाइस, सच ए नाइस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कि दो गड्ढों से हाउ वन गड्ढा विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम एंड यू कैन यूज दैट ह्यूमन यू नो सैनिटेशन ह्यूमन आउटपुट एज योर मैन्योर इन केस ऑफ फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह से किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल. अगेन देशमुख जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, प्लीज फोकस बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फोकस एंड कंप्लीट द सेम फॉर यू, राइट? हाँ बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो दिस वन इज अबाउट ग्रीस मेसिडोनिया एग्री ऑन न्यू नेम. तो ग्रीस मेसिडोनिया defied protest and set aside 3 decades of dispute on Sunday because both of them they agreed for a new name. So let us see what is the new name. सो ग्रीस मेसिडोनिया दे अग्रीड ऑन अ न्यू नेम. बहुत पहले से ये आपका चल रहा था ये डिबेट कि बाल्कान स्टेट्स को कोई न्यू नेम मिलना चाहिए कि नहीं. सो दी कंट्रीज लाइंग ऑन दी बाल्कान पेनिनसुला आर ऑफ्टन कॉल्ड दी बाल्कान स्टेट्स. द रीजन लाइज ऑन दी साउथ ईस्ट एज ऑफ यूरोपियन कंटिनेंट एंड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड टू बी मेड आउट ऑफ 12 countries. तो एक बार मैप में ज़रूर जाइए और इस पूरे बाल्कान स्टेट्स को एक बार ज़रूर देखिए. फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया है? उन्होंने साइन किया है जो कि रीनेम करने जा रहा है. पहले क्या नाम था? पहले नाम था इट वॉज योर फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक. और नया नाम क्या होगा? रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसिडोनिया. डायरेक्ट क्वेश्चन सभी लोग आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में. माय क्वेश्चन इज दैट द फॉर्मर और द यूगोस्लाव रिपब्लिक has been recently renamed as Yugoslav Republic. लो recently किस नाम से रीनेम किया गया है? Then your answer will be Republic of North Macedonia. So please remember Republic of North Macedonia. This is the new name. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं next हमारे slide पे. So this is about the MCLR base rate merger proves इल्यूसिव. नाउ रिसेंटली यू नो कि बेस रेट को बढ़ा दिया गया था और रेपो रेट बढ़ के आपका 6.25 हो गया था. एंड नाउ दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट योर MCLR एंड बेस रेट का मर्जर के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. क्या इंट्रोडक्शन हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ MCLR यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. तब तक सभी लोग प्लीज मेंशन कीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCLR. MCLR का फुल फॉर्म क्या है? हम चलते हैं तब तक नेक्स्ट स्लाइड पे.
Now, this is about MCLR base rate merger proves elusive. Millions of customers are paying higher interest rate on home and auto loans. अभी देखो, obviously, अगर आप बाकी और कुछ नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर बेस रेट को आप इंक्रीज करोगे, तो उससे क्या होगा? उसके साथ साथ हमको भी ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा. बेस रेट इंक्रीज हुआ, मतलब RBI से बैंकों को ज़्यादा पैसे में लोन मिला, तो बैंक हमें ज़्यादा पैसे में लोन देगा. So, we will end up paying more for सेम. ठीक है, मतलब बैंक अब जिस मिनिमम रेट पे, कम से कम मान लीजिए 7% पे बैंक लोन देगा, तो ये क्या हो गया? ये MCLR हो गया. ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट हो गया, जिस पे मिनिमम जिस पे आपका लोन दिया आपको जाएगा. मतलब इससे तो ऊपर होना ही चाहिए, एटलीस्ट 7.3 7.4 ऐसा होना पड़ेगा. ठीक है, सो द फुल फॉर्म इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. सिंपली ये याद रखिए कि अगर बेस रेट बढ़ेगा तो बैंकों को भारी अमाउंट में पैसा मिलेगा. ठीक है, मंडी से सब्जी महंगा खरीदेगा बैंक, तो सब्जी बैंक भी आपको और हमको महंगा बेचेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. सो दिस इज़ योर जस्ट स्लाइड. यहाँ पे हमने आज के टाइम, आज के इस सेशन में बहुत सारे टॉप हेडलाइंस डिस्कस किए, ब्रेकिंग न्यूज़ डिस्कस किए, एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इट, राइट. चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी स्लाइड पे. ओके, कोई बात नहीं. अब हमारे रेपो रेट बिल्कुल देखिए इंक्रीज करके कितना किया गया, 6.25 किया गया, राइट. ओके, चलिए इरशाद खान, नो इश्यूज, आप वापस से इस सेशन को देख सकते हो. लाइफ हैज टू रूल्स, वन इज नेवर क्विट एंड नंबर टू इज ऑलवेज रिमेंबर रूल वन. दैट इज, वंस तो यू विल नेवर क्विट इन लाइफ, एंड सेकेंड इज यू नेवर रिमेंबर द फर्स्ट रूल, दैट इज नेवर क्विट. मतलब क्विट तो करना ही नहीं है कुछ भी हो. ठीक है, जैसे कि अभी देखो लाइक्स जो है वैसे नॉर्मली 1000 पहुंच जाता है, बट नाउ आई कैन सी देर आर अप्रॉक्सीमेटली 900 लाइक्स, बट स्टिल आई डिड नॉट क्विट, आई एम कंटिन्यूइंग टू डू द शो, राइट. कुछ लोगों ने कहा हाँ अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा हाँ जैसा भी है, बट आई एम डूइंग दिस, राइट. आई एम डूइंग माई पार्ट, सो यू ऑल्सो कंटिन्यू डूइंग योर पार्ट. I know that Kush sir is not here today, but I hope he will be back soon and he will continue with the sessions. So I hope I'll get your acceptance for this short period. Thank you so much for watching this show. Please hit the like button. Please give it a thumbs up and share it with all your friends. I'll be back in a couple of minutes for the editorial show. Use bhi zarur dekhega. Thank you so much for watching this show. Like, share and subscribe to the channel. Have a good day ahead. Bye-bye.